अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव, पाहूया काही ठळक वृत्त। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा संपूर्ण भारत देशात सशक्त युवा अभियान राबविण्यात येत आहे। या अभियानाच्या चित्ररथाचे आगमन आज जामनेर शहरातील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये झाल्यानंतर जामनेर येथील केंद्रांकडून साधकांचे यथोचित स्वागत करण्यात आले। राजयोगाने जीवनात खरे सुख आणि शांती लाभते हा अनमोल संदेश या सशक्त युवा अभियानाद्वारा जामनेर शहरातील युवकांना देण्यात आला आहे। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगा एजुकेशन रिसर्च सेंटर उसके युवा प्रभाग द्वारा आयोजित की गई है यह यात्रा का शुभारंभ 13 अगस्त 2017 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से शुरू हुई है, जिसका उद्घाटन गुजरात के उप मुख्यमंत्री उनके द्वारा तथा ब्रह्मा कुमारी की सह प्रशासिका दादी रतन मोहिनी एवं युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका चंद्रिका बहन के द्वारा 13 अगस्त 2017 में अहमदाबाद में हुआ और उसके पश्चात ये यात्रा पूरे गुजरात में एक एक जिला में जाकर एक एक तालुका में जाकर गांव और बड़े शहरों में सब जगह होते हुए 3.5 महीने गुजरात का भ्रमण किया और वह स्कूलों में कॉलेजों में तथा विभिन्न संस्थाओं में जाकर के अपना ये उद्देश्य बताया। अब 15 दिन से ये महाराष्ट्र में प्रवेश की है। अब पूरा महाराष्ट्र कवर करके ये 3 साल तक ये यात्रा पूरे भारत में भ्रमण करेगी, पूरे भारत के युवाओं के पास जाकर के ये संदेश देगी। तो इसमें हम मेन बात यही बताते हैं, 3 हमारे उद्देश्य हैं। पहला है सकारात्मक चिंतन, दूसरा है सफाई अभियान, तीसरा है राजयोगा मेडिटेशन। तो यहाँ हमारे जो चित्र लगे हुए हैं हमारे 4 विभागों में बांटे हुए हैं। सबसे पहले सकारात्मक चिंतन, दूसरा है हमारा राजयोगा मेडिटेशन, तीसरा है हमारा स्वच्छता। जो सबसे पहला बताया गया है इसमें बताया गया आज का जो मानव है इसमें 3 चित्र हैं, थोड़ा साइड में आगे बाद में देखेंगे, पहले सुन लीजिए। पहले चित्र बताया आज का जो मानव है वो नकारात्मक हो गया है, चारों ओर नकारात्मकता नेगेटिव वातावरण फैलता जा रहा है, जिसके कारण वो होपलेस हो गया है, सुसाइड करने लग गया है, जरा जरा जी बातों में वो टेंशन में आ जाता है, उसके पश्चात वो कई नशों का आदि हो गया है, कभी थोड़ी सी टेंशन नहीं हुई तो नशा लेना शुरू कर देता है और उसी को अपना साधन मानता है कि इससे मेरे को रिलीफ मिलेगा। दूसरे वो रूढ़िवादी हो गया है, जरा जरा सी बात पे वो सबका तिरस्कार करता रहता है, उसके पास उसके अंदर दया कम होती जा रही है, होपलेस होता जा रहा है और उसके जीवन का कोई एम नहीं है। लेकिन राजयोग के द्वारा हम उसको जो नेगेटिव है उससे पॉजिटिव की ओर उसको लेके जाते हैं। तो इस सामने के चित्र में बताया गया जैसे पेड़ को हम अगर सही तरह से पालना नहीं करेंगे, खाद पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, लेकिन जब उसके अंदर खाद पानी उसकी पूरी देखभाल करेंगे तो हरा भरा कहलाएगा। तो इस चित्र में जैसा दिखा रखा है नेगेटिव उसका एकदम मूड खराब है, लेकिन इस चित्र में आप देख रहे हैं वो एकदम से हेल्दी और हैप्पी दिखाई दे रहा है। तो हर कोई अच्छा बनना चाहता है, सदा मुस्कुराता रहना चाहता है, तो राजयोग के द्वारा हम इस प्रकार से इन बुराइयों से बच के रह सकते हैं। तो इसमें उसका हेल्थ अवेयरनेस रहेगा, उसका हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, सबके साथ मिलकर रहेगा और सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहेगा। और जो पॉजिटिव है उसके अंदर वो नशों से मुक्त रहेगा, आशावादी हो गया, दयावान होगा, सबके साथ मिलकर के वो चलेगा। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर सबको लेके जाते हैं, इस तरह का हमारा इसका अभियान का पहला डिपार्टमेंट चित्रों का ये है। दूसरे चित्र में आपको बताया गया है कि
जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव हम कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमारा है राजयोगा। राजयोगा के द्वारा हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा सकते हैं, यानी व्यर्थ चिंतन से सकारात्मक चिंतन की ओर हम उनको लाना सिखाते हैं। इसमें इसी तरह धारक है एक्सपीरियंसिंग थ्रू सेल्फ थ्रोट राजयोगा। राजयोगा के द्वारा हम स्वयं को पहचान करके आज मनुष्य के जीवन में जो दुख अशांति रूढ़िवादिता परेशानियां वो आ गई हैं, जिसके कारण उसका जीवन बिल्कुल सी निराशावादी हो गया है, लेकिन राजयोगा के द्वारा हम उसको आशावादी बनाने की शिक्षा देते हैं। सामने की स्थिति में दिखा रखा है, सबसे पहले उसका कनेक्शन स्वयं से होता है कि मैं कौन, स्वयं की पहचान होती है कि मैं इस दुनिया में आने का लक्ष्य क्या है। मैं आँखों से देखने वाला, कानों से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला, हाथ पैरों से कार्य करने वाला, इस शरीर रूपी जो रथ है हमारा, ये शरीर की जितनी कर्मेंद्रिय हमारे घोड़े हैं, आँख नाक कान मुख जीवा, ये सब हमारे शरीर के एक तरह से रथ के घोड़े हैं और आत्मा इसका ड्राइवर है, आत्मा इसका रथवान है। रथवान जब इस पर पूरा कंट्रोल करता है तो ये रथ अच्छी तरह चलता है, लेकिन जब उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो कहता है कि चाहता नहीं कि कुछ गलत बोलूँ लेकिन निकल जाता है, चाहता नहीं कि कुछ गलत करो लेकिन गलत हो जाता है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब राजयोग का अभ्यास करता है तो उसकी कर्मेंद्रियाँ उसके कंट्रोल में होते हैं, वो जीवन में जो दुख देने वाले नाग हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो इन पे विजय प्राप्त करके परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है, सब आत्माओं का पिता है, सुप्रीम है, तो उससे जब कनेक्शन होगा तो अपने जीवन से बुराइयाँ वो निकाल कर वो एकदम से जीवन का आनंद लेता हुआ है, एक सुखी जीवन बना लेता है। तो इन चित्रों के द्वारा हम हर जगह जा कर के सबको राजयोग का अभ्यास भी करवाते हैं कि सबसे पहले स्वयं को पहचान करके उस सुप्रीम से अपना कनेक्शन जोड़ें तो हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। और बस के चारों ओर आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न सभ्यताओं के जो हमारे संस्कृति हैं, भारत के हर राज्य की संस्कृति के चित्र अंकित किए गए हैं, जिसके द्वारा हम बताना चाहते हैं समाज के हर वर्ग के लिए हमारा जो ये अभियान है, ना कोई धर्म के लिए है, ना कोई जाति के लिए, सबके लिए है ये, क्योंकि सभी मानव हैं, मानवता के उत्थान के लिए हम ये चित्र प्रदर्शनी लेके पूरे भारत में निकले हैं, गांव-गांव में शहरों में जा कर के हम इस सबको अवेयर करते हैं। और एक है हमारा सफाई अभियान, सफाई है, सबसे पहले हमें अपने दिमाग की सफाई रखनी है, मन की सफाई रखनी है, उसके बाद हमें फिजिकल सफाई रखनी है, शरीर की सफाई रखनी है, साथ साथ सोशल क्लीनलीनेस यानी समाज की अपने घर में मोहल्ले में अपने चौक पे अपने नगर में और पूरे देश में सफाई रख करके हमें अपने भारत को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत बनाएंगे तो स्वस्थ भी बनेंगे, क्योंकि गंदगी से ही बीमारियां पनपती हैं, तो इन बीमारियों का मूल कारण जो कि गंदगी है उसको हम निकाल के सबसे पहले मन की गंदगी निकालते हैं। मन में जो सुबह से शाम तक हम कचरा डालते रहते हैं, जैसे कि व्यर्थ की न्यूज़ और टीवी देखते रहते हैं, टीवी में लड़ाई झगड़ों के सारे सीरियल देखते हैं, देखें हम अच्छी चीज़ें देखें, बुराइयों को त्याग करके हम अच्छी राह की ओर चलें, ताकि हमारा मन भी हेल्दी हो और शरीर को रोज़ नहलाएं धुलाएं, अच्छी तरह बाल बहाएं, नाखून साफ करें, अच्छे कपड़े पहने, घर को व्यवस्थित तरह से रखें, तो ये शरीर की सफाई। और आसपास अपने मोहल्ले में जहाँ भी देखें कचरा कूड़ेदान में ही डालें, जगह जगह कचरा ना फेंके, जो पीन आप तंबाकू पान या गुटखा खाते हैं उसका भी त्याग करके उसको भी छोड़ करके जगह जगह उसको खाते हैं, जगह जगह कचरा करते हैं, उसको छोड़ करके समाज को अपना घर समझें, पूरे मोहल्ले को देश को अपना घर समझ कर उसको सफाई रखें। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज हम आपके सामने भी पहुँचे हैं। तो अभी हम बहन जी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो एक मिनट के लिए आपको जो राजयोग का सिखाते हैं उसका अभ्यास करवाएंगे बहन जी। भाऊंनी तर आपल्याला हिंदीमध्ये सांगितलं, पण आपल्या परिसरामध्ये आल्यामुळे मी आता तुम्हाला मराठीत सांगणार आहे। राज्ययोग या शब्दाचा अर्थ आहे की आपल्या मनाला शांत करून मनाच्या विचारांना कसं थांबवायचं। तर योग हा संस्कृत शब्द आहे
पण या योगाच्या माध्यमातून आपण आत्म्याचा परमात्म्याशी संबंध जोडून त्या संबंधातून प्राप्तीचा अनुभव आपण कसा करायचा याचं मार्गदर्शन, याला म्हटलेलं आहे राजयोग। तर सर्वात प्रथम सगळ्यांनी आता फक्त आपण 2-3 मिनिटाचा अभ्यास करू, इथं उभे आहेत सगळ्यांनी आपल्या मनातल्या विचारांना स्तब्ध करायचंय, शांत करायचंय आणि स्वतःला या देहामध्ये दोनही भुवयांच्या मध्यभागी आत्मा समजायचंय। ज्या वेळेला तुम्ही आत्मस्वरूपात स्थित व्हाल त्यावेळेला आत्म्याचं कनेक्शन त्या परमात्म्याशी आपण जोडू शकू आणि त्या परमात्म्याशी ते कनेक्शन जोडलं तर त्याच्यापासून सर्व शक्ती आपल्यामध्ये भरत जाईल। तर मी थोडासा चिंतन सांगते, ते चिंतन ऐकायचं आणि त्याचबरोबर तुम्ही अभ्यास करायचा। मी एक चैतन्य शक्ती आत्मा आहे, डोळ्यांद्वारे पाहणारी, मुखाद्वारे बोलणारी, कानाद्वारे ऐकणारी, या शरीरामध्ये चैतन्य आत्मा विराजमान आहे। मी आत्मा शांत स्वरूपाची आहे। माझ्या आत्म्याचं घर जे 5 तत्वांच्याही पलीकडे पार ब्रह्म परमेश्वर म्हटलेलं आहे, ज्याला शांतीधाम परमधाम म्हटलेलं आहे, तेथील मी राहणारी आहे। तिथून या सृष्टीरूपी रंगमंचावरती कर्म करण्यासाठी आलेली आहे आणि या सृष्टीरूपी रंगमंचावरती येऊन मला श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, सकारात्मक विचारांनी साथ देऊन सर्व कर्म मला करायचे आहे, जेणेकरून मी आपल्या पुढच्या जीवनामध्ये सर्व कार्यामध्ये यशस्वी रीतीने पुढे जात जाईल। मी आत्मा संपूर्णपणे सुख स्वरूपाची आहे, पवित्र स्वरूपाची आहे, शक्ती स्वरूपाची आहे आणि ती शक्ती परमात्मा यांच्याकडून घेऊन सबंध शरीरामध्ये प्रवाहित होत आहे आणि माझी सर्व कर्म इंद्रिया शांत शीतल होत आहे। अशा प्रकारे राजयोगाचा अभ्यास मनातील सर्व विचारांना थांबवून करायचा आहे आणि ते विचार थांबवून सकारात्मक चिंतन करायचे। सकारात्मक म्हणजे चांगलेच विचार आपल्या मनामध्ये आणायचे आहे की त्या चांगल्या विचारांनी आपण चांगले कार्य करू शकतो। तर या ठिकाणी जामनेर शहरामध्ये आनंद नगर इथे आपलं सेवा केंद्र आहे, तिथं येऊन तुम्ही या राजयोगाचा अभ्यास शिकू शकता। 10-15 मिनिट वेळ काढून येऊन त्याचा अभ्यास करू शकता। अनुसूचित जाती जमाती आणि भटक्या विमुक्त जातींवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार, शोषणाविरुद्ध राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ती म्हणजे नफच्या विद्यमाने जामनेर तहसील कार्यालयावर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले। या धरणे आंदोलनामध्ये बहुजन समाजातील कर्मचारी, व्यावसायिक, शेतकरी, मजूर, महिला आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या प्रसंगी आंदोलनकर्त्या शिष्टमंडळाच्या वतीने जामनेर तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन सादर करून शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला।
हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, धरना लेकर इस मकसद के लिए जमा हुए हैं कि हमारे ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और इस मुल्कों को आज़ाद कराने के लिए मुल्कों के तमाम ही लोगों ने हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए इस मुल्कों में तमाम ही लोगों की जान और माल महफूज होनी चाहिए। आज जो हालात हमारे मुल्कों के हैं कि कमज़ोर लोगों पर जुल्म हो रहा है और उनको जो है बेदरे कत्ल किया जा रहा है और मुजरमीन जो खुलेआम घूम रहे हैं, हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि जुल्म व सितम को रोका जाए और जो लोग इस तरीके से जुल्म कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं या इसी तरीके से उनके घर बार कारोबार लूटे जा रहे हैं, इस जुल्म को रोका जाए और उन पर जो है कड़ी निगाह रखी जाए और जो लोग इस तरीके का जुर्म करते हैं हुकूमत जो है उनको सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि आइंदा किसी के साथ इस किस्म का कोई जुल्म सितम ना होने पाए। ये मुल्क हमारा जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है। जो लोग इस मोहब्बत को ख़त्म करके नफ़रत डालना चाहते हैं वो उनका कोई मज़हब नहीं होता, वो जो है अपने मफाद के लिए और अपनी अगराज को हासिल करने के लिए ऐसे जुल्म सितम और कत्ल गारतगिरी लूटमार करते हैं और ये जो है तमाम ही लोगों की निगाह में मुजरिम है। तो हुकूमत जो है ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखे और इनको जो है तो सज़ाए दे ताकि आइंदा कोई दूसरा आदमी इस किस्म का जो है जुर्म न करे, जुल्म सितम न करे। और इसकी वजह से जो आज लोगों के दिलों में एक दहशत है, खौफ है, हरास है, अगर ये ख़त्म नहीं किया गया तो हो सकता है मुल्कों को कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। इसलिए जो है हम सरकार से ये इल्तिजा करते हैं कि वो इस किस्म के मुजरिमीन को गिरफ्तार करके उनको सख्त सज़ाएँ दें और आइंदा इस किस्म का कोई जुल्म और सितम मुल्कों में ना होने पाए, इसके लिए कोई कानून भी सख्त बनाए और जिस पर सख्ती से अमल किया जाए। कि भारत देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुसूचित जाती जमातीवर आणि विमुक्त भटक्या जमातीवर जे अन्याय अत्याचार होत आहेत ते जास्त प्रमाणात वाढलेले आहेत आणि या परत आमच्या मुस्लिम बांधवांवर सुद्धा काही प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार होत आहे। त्याचं प्रकरण म्हटलं म्हणजे राजस्थानमध्ये मोहम्मद अफराजुल या मुस्लिम बांधवाला लव जिहादच्या नावाखाली त्याचा खून करण्यात आला आणि तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, म्हणजे एक प्रकारे मुस्लिम समाजामध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। तसेच महाराष्ट्रामध्ये खर्डा तालुका जामखेड जिल्हा अहमदनगर या गावात नितीन आगे नावाच्या विद्यार्थ्याला कॉलेजमध्ये मारहाण करून त्याला जंगलात फरफटत नेऊन त्याची हत्या करण्यात आली आणि त्याचं प्रेत झाडाला लटकवण्यात आलं। ही बातमी आरोपीने धमकावून मृतकाच्या आईला सांगितली आणि अशा प्रकारे ह्या 23 नोव्हेंबर 2014 रोजी या विद्यार्थ्याला मारण्यात आलं आणि ह्या घटनेचा निकाल 23 सप्टेंबर 2016 रोजी या रोजी देण्यात आला आणि तो इतका अत्यंत आश्चर्यकारक होता की त्या घटनेतील सर्व आरोपी हे निर्दोष सुटले। त्याचप्रमाणे खरलानीच्या प्रकरणातसुद्धा महाराष्ट्र सरकारची भूमिका ही गंभीर स्वरूपाची होती असं ह्या गोष्टीला दुजोरा देतो आहे आणि अशा प्रकारच्या भरपूर घटना महाराष्ट्रात घडलेल्या आहेत की जातीय द्वेषातून आमच्या अनुसूचित जाती जमातीवर तसेच विमुक्त भटक्या जमातीवर आणि मुस्लिम बांधवांवर अन्याय अत्याचार होत आहे। जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी 3 वर्षापूर्वी एका दलित युवकाला कॉलेजमधून काढून मारलं, त्यानंतर त्याला जंगलात नेऊन त्याचा निर्घुण खून झाला। या गोष्टीला तब्बल 3 वर्ष झाली। ज्या तऱ्हेने पुरावे गोळा करण्याचं काम हे शासन प्रशासनाचं होतं, पोलीस खात्याचं होतं, त्या प्रमाणात त्यांनी ते पुरावे गोळा केले नाहीत। सरकार जेवढं गंभीर पाहिजे त्या बाबीमध्ये तेवढं गंभीर दिसलं नाही। त्याचं कारण असं आहे की ज्या साक्षीदाराला आणि त्याच्या परिवाराला पोलीस संरक्षण पुरेसं मिळालेलं नाही, म्हणजे अजिबातच मिळालेलं नाही आहे। त्यानंतर कोर्टाच्या ज्या प्रोसेस आहेत, ज्या अधिकाऱ्यांनी जे पुरावे जमा करायला पाहिजे होते त्या प्रमाणात तशा प्रमाणात ते पुरावे जमा केलेले नाही, म्हणजेच
दलित अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या बाबतीमध्ये यांच्या अत्याचाराच्या बाबतीमध्ये सरकार पाहिजे तेवढं गंभीर नाही आहे। म्हणजे आता आमची अशी मागणी आहे निवेदनाद्वारे की जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्टसाठी प्रत्येक ठिकाणी स्पेशल असं न्यायालय व्हावं, त्यानंतर त्या न्यायालयाचा निकाल द्रुतगतीने चालावा। नितीन आगेच्या संदर्भामध्ये हायकोर्टामध्ये ती केस रिओपन करून पुन्हा त्याचे पुरावे जमा करावेत, त्या प्रोसेसमध्ये न्यायाधीशही अनुसूचित जाती जमातीचा असावा, वकीलही अनुसूचित जाती जमातीचा असावा आणि जे पुरावे जोगडा करणारे अधिकारी आहेत तेही अनुसूचित जाती जमातीचे असावेत असं आमचं म्हणणं आहे। म्हणजे आता राष्ट्रीय क्राईम रिपोर्ट आहे की गेल्या 3.5 वर्षामध्ये 114% या अनुसूचित जाती जमातीवरील लोकांच्या अत्याचारामध्ये वाढ झालेली आहे आणि म्हणून नैतिक जबाबदारी म्हणून या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे। म्हणजे या राज्यामध्ये राष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीचं संरक्षण पुरेसं होत नाही आहे आणि म्हणून आमची मागणी आहे भटक्या विमुक्तांच्या संदर्भामध्ये मागणी आहे की भटक्या विमुक्तांना या ठिकाणी संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे आणि त्यांनाही ॲट्रॉसिटी ॲक्ट खाली या ठिकाणी आणलं पाहिजे। म्हणजे आता हा जो निकाल आहे हायकोर्टामध्ये द्रुतगतीने चालावा आणि त्याचा योग्य तो निकाल लागावा। जामनेर तहसील कार्यालयावर राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्तीच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आलेलं आहे आणि या निवेदनाचा मुख्य असा मुद्दा होता की नितीन आगे जे प्रकरण जे हत्याकांड घडलेलं आहे त्या हत्याकांडामध्ये जे 6 आरोपी होते त्यांना न्यायालयाने निर्दोष सोडलेलं आहे आणि तसेच वर्तमान भारतामध्ये मुस्लिम बांधवावर लव्हजिहादच्या माध्यमातून खाण्याच्या माध्यमातून बोलण्याच्या माध्यमातून कपडे घालण्याच्या माध्यमातून जे अन्य अत्याचार होत आहे ह्या अन्य अत्याचाराला कुठेतरी प्रतिबंध लागावा यासाठी हे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। मुळात आपण जर भारताचा इतिहास पाहिला तर भारताचा इतिहास हा जातीव्यवस्थेचा इतिहास आहे आणि ह्या देशामध्ये जातीव्यवस्था ही क्रमिक जातीव्यवस्था आहे आणि ह्या जातीच्या आधारावर आमच्या समाजावर अन्य अत्याचार होत असतात, आमच्या समाजाचं शोषण होत असतं। ज्यावेळेस भारतीय संविधानाची या देशामध्ये निर्मिती झाली आणि भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून आम्हाला काही हक्क आणि अधिकार बहाल करण्यात आले, आमच्यासाठी काही सेफगार्ड बहाल करण्यात आले, पण खऱ्या अर्थानं गणतंत्र व्यवस्थेमध्ये गणतंत्र व्यवस्था ज्या 4 आधारस्तंभावर ज्या 4 पिलरवर चालत आहे तिच्यातला महत्त्वाचा जो पिलर आहे ती न्यायपालिका आहे, पण न्यायपालिकामध्ये सुद्धा जातीयतेच्या आधारावर खऱ्या अर्थानं न्यायपालिका जातीच्या आधारावर आज खऱ्या अर्थानं निकाल देत आहे, पण येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही या व्यवस्थेला या निवेदनाच्या माध्यमातून हा इशारा देऊ इच्छितो कारण की ही शक्ती या संघटनेचं जे निर्माण झालेलं आहे खऱ्या अर्थाने गावातला गावातल्या बाहेरचा आणि जंगलातला आम्ही एका वंशाचे लोक आहोत, तर येणाऱ्या काळामध्ये या देशामध्ये ॲट्रॉसिटी ॲक्ट सारखे प्रकरण घडले नाही पाहिजे, जातीच्या आधारावर आमच्या लोकांचं शोषण झालं नाही पाहिजे। खऱ्या अर्थाने जातीव्यवस्था या देशामध्ये लावली गेली आणि जातीव्यवस्था लावल्यामुळे हजारो लाखो लोक या 1 वर्षामध्ये पीडित होत असतात, तर या संघटनेच्या माध्यमातून या विंगच्या माध्यमातून समाजामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये समता स्वतंत्रता बंधुता आणि न्याय प्रस्थापित होईल अशा पद्धतीने आमचे कार्यकर्ते काम करतील। पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।